दोस्तों, ये कथा पुलिस सूत्रों व जन चर्चा पर आधारित है। घटनाओं का नाट्य रूपांतरण किया गया है। एक पुरानी कहावत है कि हर जुर्म की पृष्ठभूमि में जर जोरू और जमीन मूल कारण होता है। हरियाणा के रोहतक स्थित जाट कॉलेज के मेहर सिंह अखाड़े में उस रात जो कुछ हुआ, उसकी जड़ में कोई एक नहीं बल्कि ये तीनों ही कारण छिपे थे। 12 फरवरी 2021 की रात के करीब 9 बजे जाट कॉलेज का पूरा प्रांगण सैकड़ों लोगों की भीड़ से खचाखच भरा था। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। महिलाओं की मर्मांतक चीखों से पूरा माहौल गमगीन था। कॉलेज के बाहर पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों का हुजूम जमा था। सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस से पूरा इलाका किसी बड़े हादसे की ओर इशारा कर रहा था। करीब 2 घंटे पहले मेहर सिंह अखाड़े में जो खूनी खेला गया था, उसके बाद वहां सिर्फ तबाही और मौत के निशान बचे थे। डी जाट कॉलेज के मेहर सिंह अखाड़े में जो हादसा हुआ था, उसकी शुरुआत शाम करीब 6:30 बजे हुई थी। मनोज कुमार मलिक, जो जाट कॉलेज रोहतक में डीपी थे, अपनी पत्नी साक्षी मलिक व अपने 3 साल के बेटे सरताज के साथ अखाड़े में मौजूद थे। साक्षी मलिक एथलीट कोटे से रेलवे में कार्यरत थी। मनोज जाट कॉलेज के मेहर सिंह अखाड़े में हर शाम कुश्ती के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने आते थे। उस शाम मनोज करीब 6 बजे खिलाड़ियों को अभ्यास कराने के लिए अपनी पत्नी साक्षी व बेटे सरताज को साथ लेकर जाट कॉलेज के अखाड़े आए थे। साक्षी मैदान में जाकर अपने गेम की प्रैक्टिस कर रही थी। बेटा सरताज भी उनके साथ था। अखाड़े वाले मैदान में ऊंची आवाज में स्टीरियो पर वार्म अप म्यूजिक बज रहा था। मनोज मलिक जिस वक्त अखाड़े में पहुंचे, वहां कोच प्रदीप मलिक, सतीश दलाल पहले से ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे थे। महिला खिलाड़ी पूजा अखाड़े में दाव पेंच आजमा रही थी। साक्षी मैदान में अपनी एथलीट की प्रैक्टिस करने लगी। बेटा सरताज उनके पास ही था। कोच सतीश दलाल खिलाड़ी पूजा से कुश्ती के दाव पेंच को लेकर बात कर रहे थे। मनोज व प्रदीप मलिक आपस में बात करने लगे। इसके बाद प्रदीप जिम्नेजियम के ऊपर बने रेस्ट हाउस में चले गए, जहां एक कमरे में पहले से ही कोच सुखविंदर मौजूद था। प्रदीप मलिक ने सुखविंदर के कमरे में जाकर उससे बातचीत शुरू कर दी। जिम्नेजियम में भी ऊंची आवाज में म्यूजिक बज रहा था, जहां कई युवा पहलवान वार्म अप कर रहे थे। सुखविंदर से बातचीत के दौरान अचानक प्रदीप मलिक का फोन आ गया। फोन लेकर वह जैसे ही उठे, तभी अचानक सुखविंदर ने उनके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही प्रदीप लहराकर जमीन पर गिर पड़े। सुखविंदर ने प्रदीप के शव को दरवाजे के सामने से हटाकर एक तरफ डाल दिया। गोली जरूर चली थी, लेकिन मैदान में चल रहे स्टीरियो साउंड के कारण किसी को पता नहीं चला कि गोली कहां चली और किसने चलाई। सुखविंदर ने जिम्नेजियम की छत से आवाज देकर मुख्य कोच मनोज मलिक को, जो नीचे मैदान में थे, को भी उसी कमरे में बुलाया जिसमें उसने प्रदीप को गोली मारी थी। जैसे ही मनोज मलिक कमरे में घुसे, सुखविंदर ने बिना कोई बात किए सीधे उनके सिर में गोली मार दी। उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। सुखविंदर ने उनके शव को भी कमरे में एक तरफ डाल दिया। 2 लोगों को गोली मारने के बाद सुखविंदर जिम्नेजियम की बालकनी में जाकर कोच सतीश दलाल को बात करने के लिए आवाज देकर उसी कमरे में बुला लिया। सतीश दलाल के कमरे में एंट्री करते ही उसने उन्हें भी गोली मार दी। कुछ ही मिनटों में तीनों की हत्या के बाद भी सुखविंदर का जुनून कम नहीं हुआ। उस कमरे में शवों को छिपाने के लिए और जगह नहीं बची थी, इसलिए उसने उस कमरे में ताला लगा दिया। सुखविंदर का अगला निशाना थी अखाड़े में पहलवानी कर रही महिला पहलवान पूजा। सुखविंदर ने पूजा को फोन किया कि मनोज मलिक और दूसरे कोच कुछ बात करने के लिए उसे जिम्नेजियम में बने कमरे में आने के लिए कह रहे हैं। जिस कमरे में उसने पूजा को बुलाया, वह दूसरा कमरा था। पूजा जैसे ही उस कमरे में पहुंची, सुखविंदर ने उसे भी गोली मार दी। गोली लगते ही उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। मनोज मलिक व पूजा की हत्या के बाद सुखविंदर के टारगेट पर थीं साक्षी मलिक, जो उस वक्त नीचे मैदान में प्रैक्टिस कर रही थी। सुखविंदर ने बालकनी से उन्हें भी आवाज देकर बुलाया कि मनोज बुला रहे हैं, ऊपर आ जाओ, आपसे कुछ सलाह लेनी है। उसने साक्षी को भी उसी कमरे में बुलाया जिसमें पूजा की हत्या कर उसकी लाश रखी थी। साक्षी के कमरे में एंट्री करते ही बिना कोई सवाल जवाब किए सुखविंदर ने सीधे सिर में गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी। सुखविंदर के सिर पर मनोज मलिक के लिए नफरत का जुनून इस कदर हावी था कि वह मनोज के पूरे वंश को मिटाना चाहता था। दरअसल सुखविंदर ने एक बार अखबार में
खबर पढ़ी थी कि बेटे ने अपने पिता की हत्या के 20 साल बाद जवान होकर हत्यारे को मौत के घाट उतारकर बदला लिया था। इसलिए सुखविंदर मनोज के बेटे को जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था, जिससे बाद में वह अपने पिता की मौत का बदला ले सके। साक्षी की हत्या के बाद वह नीचे गया और मैदान में खेल रहे सरताज को यह कहते हुए उठा लिया कि उसकी मम्मी ऊपर बुला रही है। ऊपर लाने के बाद सुखविंदर ने सरताज को भी गोली मार दी। सरताज को मृत समझकर सुखविंदर ने उस कमरे में भी ताला लगा दिया। दोनों कमरों का ताला लगाने के बाद वह मेन गेट पर तीसरा ताला लगाकर अखाड़े के मैदान में आ गया। अखाड़े में मौजूद सभी लोगों की हत्या के बाद सुखविंदर नीचे आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उस समय नीचे कोई नहीं था। वहां से वह सीधे जाट कॉलेज के सामने पहुंचा, जहां पर मेहर सिंह अखाड़े का एक दूसरा कोच अमरजीत भी पहुंच चुका था। अमरजीत को उसने अखाड़े के संबंध में बात करने के लिए बुलाया था। अमरजीत के कार से बाहर निकलते ही सुखविंदर ने सीधे उसके सिर में गोली मारनी चाही, लेकिन गोली चेहरे पर जा लगी। गोली लगते ही अमरजीत लहूलुहान हालत में मेडिकल मोड की तरफ भागा। सुखविंदर को लगा कि अब अगर वह वहां रुका तो पकड़ा जाएगा, इसलिए अमरजीत का पीछा करने के बजाय उसने अपनी गाड़ी का रुख दिल्ली की ओर कर दिया। नफरत व जुनून के बाद अब उसके चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था। जिस समय ये वारदात हुई थी, अखाड़े तथा जिम्नेजियम हॉल में कई पहलवान प्रैक्टिस कर रहे थे। अखाड़े के मुख्य कोच मनोज के चाचा का लड़का टोनी, मामा का लड़का विशाल, उसकी 5 साल की बेटी फ्रांसी भी उस वक्त वहां प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके साथ अन्य पहलवानों ने देखा कि प्रदीप मलिक के अलावा मनोज, सतीश, साक्षी, पूजा और सरताज ऊपर सुखविंदर के कमरे में गए थे, लेकिन काफी देर बाद भी नीचे नहीं आए। यही सोचकर कुछ लोग जब ऊपर गए तो उन्हें एक कमरे से कोच मनोज के बेटे सरताज के रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ पहलवानों को बुलाकर जब सब ने कमरे का ताला तोड़ा तो अखाड़े में हुए इस भीषण नरसंहार कर पता चला। रेस्टरूम के दोनों तालाबंद कमरों के दरवाजे तोड़ने के बाद वहां एक के बाद एक कई लोग लहूलुहान मिले। सुखविंदर का कहीं नामो निशान नहीं था। माजरा समझ में आते ही कुछ लोगों ने पुलिस को खबर कर दी। चंद मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के आने से पहले ही साक्षी, पूजा, प्रदीप की मौत हो चुकी थी। मनोज, अमरजीत, सरताज और सतीश दलाल की सांसें चल रही थीं। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद मनोज और सतीश को भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के रोहतक स्थित इस प्रसिद्ध अखाड़े में हुई गोलीबारी की वारदात की खबर तब तक जंगल की आग की तरह फैल गई थी। इस गोलीबारी में 7 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि अमरजीत व मासूम सरताज गंभीर रूप से घायल थे। पुलिस कार्रवाई। घटना की जानकारी मिलते ही PGIA में थाने के SHO राजू सिंधु पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। वारदात इतनी संगीन थी कि ASP रोहतक राहुल शर्मा भी खबर मिलते ही फोरेंसिक टीम व दूसरे अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंच गए। मनोज मलिक के बड़े भाई प्रमोज कुमार व दूसरे परिजन भी अपने परिचितों के साथ खूनी अखाड़े के बाहर जमा हो गए थे। रात के 9 बजते-बजते सभी मरने वालों के परिजन घटना स्थल पर भारी हुजूम के साथ मौजूद थे। उसी रात PGIMS थाने में मनोज मलिक के भाई प्रमोज की शिकायत पर सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरजीत ने पुलिस को अपना बयान दिया कि उस पर सुखविंदर ने गोली चलाई है। पुलिस की टीमों ने पूरे शहर की घेराबंदी कर दी, लेकिन सुखविंदर पुलिस के हाथ नहीं लगा। SP राहुल शर्मा ने उसी रात जाट कॉलेज स्थित जिम्नेजियम हॉल में चल रहे अखाड़े में हुए गोलीकांड में आरोपी सुखविंदर को पकड़ने के लिए DSP नरेंद्र कादयान व DSP विनोद कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम SIT का गठन किया, जिसमें PGIMS थाना, CIA यूनिट, AVT स्टाफ और साइबर सेल को शामिल किया गया। हरियाणा के DGP मनोज यादव और एडिशनल DGP ऑफ रोहतक रेंज के IG संदीप खिरवार ने केस की मॉनिटरिंग का काम अपने हाथ में ले लिया। इतना ही नहीं, सुखविंदर की गिरफ्तारी पर DGP ने उसी रात 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी। साइबर सेल को सुखविंदर के मोबाइल फोन की सर्विलांस से पता चला कि वह भागकर दिल्ली पहुंच गया है। उसकी तलाश में टीमों को दिल्ली रवाना कर दिया गया। अगली सुबह सभी 5 मृतकों का पोस्टमार्टम हो गया। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि सभी को करीब 20-25 फीट की दूरी से गोली मारी गई थी।
गोली सभी के सिरों में लगी जरूर थी लेकिन पार नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम में साक्षी के सिर से दो और बाकी चारों के सिर से एक एक गोली मिली। घायल अमरजीत और सरताज को एक एक गोली लगी थी जो आर पार हो गई थी। फोरेंसिक टीम ने बताया कि सुखविंदर ने वारदात को 32 बोर की रिवॉल्वर से अंजाम दिया था। मृतकों के शरीर में 9 MM की गोलियां मिली थीं। चूंकि मासूम सरताज की हालत बेहद गंभीर थी इसलिए उसे रोहतक PGI से पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर स्वास्थ्य संस्थान में रेफर कर वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। उसकी आंखों के बीच में गोली लगी थी जो सिर के पार निकल गई थी। उसका इलाज करने में डॉक्टरों की एक विशेष टीम जुट गई थी। शुरुआती जांच में एक बात साफ हो गई कि अखाड़े में कई लोगों की मौजूदगी के बावजूद किसी को भी सुखविंदर के कमरे में चलने वाली गोलियों की आवाज इसलिए सुनाई नहीं दी क्योंकि प्रैक्टिस के समय तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था। हालांकि हल्के धमाके का अंदाजा तो सबको हुआ था लेकिन उन्हें यही लगा कि किसी शादी में पटाखे बज रहे होंगे। किसी को इसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि सुखविंदर ने ऊपर कमरे में 5 लोगों की हत्या कर दी है। अखाड़े में मौजूद चश्मदीदों से पूछताछ व शुरुआती जांच में यह भी पता कि सुखविंदर का अखाड़े के दूसरे कोचों के साथ कोई विवाद था जिसके कारण उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। सुखविंदर के बारे में पुलिस ने ज्यादा जानकारियां जुटाई तो पता चला कि वह मूल रूप से सोनीपत के बरौदा गांव का रहने वाला है। पुलिस की एक टीम तत्काल उसके घर पहुंची। वहां उसके परिजनों से पूछताछ हुई तो पता चला कि उसके पिता मेहर सिंह सेना से रिटायर्ड हैं। सुखविंदर शादीशुदा है। 6 साल पहले उसकी शादी उत्तर प्रदेश की तनु के साथ हुई थी और उसका 4 साल का एक बेटा है। सुखविंदर जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का था इसलिए बेटा होने के बाद पत्नी से उसका झगड़ा होने लगा और 4 साल पहले वह पत्नी को उसके मायके छोड़ आया। तभी से वह मायके में है जबकि उसका बेटा अपने दादा दादी के पास है। सुखविंदर की मां सरोजनी देवी ने बताया कि पिता मेहर सिंह ने उसकी हरकतों के कारण उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था जिसके बाद से वह कभी कभार ही बेटे से मिलने के लिए घर आता था। पुलिस ने सुखविंदर को गिरफ्तार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी लेकिन संयोग से वारदात के अगले ही दिन 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने समयपुर बादली इलाके में संदिग्ध अवस्था में कार में घूमते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से एक अवैध पिस्तौल तथा 5 कारतूस भी बरामद हुए थे। उससे पूछताछ करने पर समयपुर बादली पुलिस को पता चला कि सुखविंदर नाम के उस शख्स ने एक दिन पहले रोहतक के मेहर सिंह अखाड़े में 5 पहलवानों की नृशंस हत्या को अंजाम दिया है तो पुलिस ने उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज कर तत्काल इसकी सूचना रोहतक पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रोहतक पुलिस दिल्ली पहुंच गई। PGIA में थाना पुलिस ने दिल्ली की अदालत में अर्जी दे कर सुखविंदर का ट्रांजिट रिमांड हासिल किया और उसे रोहतक लाकर अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत से उसका 4 दिन का रिमांड ले लिया। इस दौरान SIT ने उसे साथ ले जाकर पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने सुखविंदर के खिलाफ सभी साक्ष्य एकत्र किए और यह पता लगाया कि आखिर उसने इस जघन्य हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया था। उससे पूछताछ के बाद पता चला कि उसने जर जोरू और जमीन के लिए एक नहीं बल्कि 6 हत्याओं को अंजाम दिया था क्योंकि तब तक मनोज व साक्षी के 3 वर्षीय बेटे सरताज की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सुखविंदर की पिछले कुछ दिनों से मनोज मलिक से एक खास वजह से रंजिश चल रही थी। मनोज मलिक वुन की पत्नी साक्षी नामचीन खिलाड़ी थे। मनोज अपने जमाने के जाने माने राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे थे। उन्होंने कई प्रतियोगिताएं जीती थीं। बाद में रोहतक के जाट कॉलेज में उन्हें सहायक शिक्षक यानी DPE की नौकरी मिल गई। जाट कॉलेज के पास ही उन्हें रोहतक के सबसे प्रतिष्ठित मेहर सिंह अखाड़े में कोच की नौकरी भी मिल गई। इस अखाड़े में मनोज मलिक के अलावा कई अन्य कोच थे। उन्हीं में सुखविंदर भी एक था। वे सभी अखाड़े में कुश्ती के लिए नए पहलवान तैयार करते थे। मनोज मलिक 28 मूल रूप से गांव सरगठल जिला सोनीपत के रहने वाले थे। मनोज मलिक और साक्षी 14 फरवरी 2013 को शादी के बंधन में बंधे थे। शादी की 8वीं सालगिरह से 2 दिन पहले ही दोनों ने एक साथ इस दुनिया को छोड़ दिया था। साक्षी एथलीट की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। बाद में उन्हें भी रेलवे में स्पोर्टर्स कोटे से नौकरी मिल गई थी। मनोज मलिक पिछले कई सालों से अपनी पत्नी साक्षी मलिक व 3 साल के बेटे सरताज के साथ रोहतक में
जाट कॉलेज वखाड़े के पास देव कॉलोनी में रहते थे। मनोज मलिक और उनकी पत्नी साक्षी चूंकि दोनों ही अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए वे अपने मासूम बेटे सरताज को भी कुश्ती का खिलाड़ी बनाना चाहते थे। ट्रैक और कुश्ती मैट पर अटखेलियां करता सरताज माम बाप के साथ अखाड़े में जाता था। वह नए पहलवानों की आंखों का तारा बन गया था। कुल मिलाकर उन दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय था। मनोज को कभी सपने में भी गुमान नहीं था कि जिस सुखविंदर को उन्होंने ही 2 साल पहले 15,000 रुपए महीने पर अखाड़े में कोच की नौकरी पर रखा था, वह अपनी नीच हरकतों के कारण एक दिन न सिर्फ उनकी हत्या कर देगा बल्कि उनके परिवार के खात्मे का सबब बन जाएगा। बाद में खिलाड़ियों की शिकायत पर मनोज ने उसे हटा दिया था। बस इसी बात से गुस्साए सुखविंदर ने इस घटना को अंजाम दिया था। सामूहिक गोलीकांड में मारे गए अखाड़े के एक अन्य कोच सतीश दलाल 28 मूल रूप से गांव माडोठी जिला झज्जर हाल निवासी सांपला के रहने वाले थे। जाने माने कुश्ती खिलाड़ी सतीश दलाल इन दिनों मनोज मलिक के अखाड़े में कुश्ती के कोच का काम संभाल रहे थे। इस हादसे में मारे गए महम 24 के गांव मोखरा निवासी प्रदीप मलिक 28 भी थे। रामकुमार मलिक के 3 बेटों में प्रदीप सबसे छोटे थे। प्रदीप का बड़ा भाई विक्रम CRPF में तथा बीच वाला भाई संदीप BSF में नौकरी करता है। प्रदीप खेल कोटे से रेलवे में CTI थे। उनकी ड्यूटी रतलाम मध्य प्रदेश में थी। विवाहित प्रदीप का एक बेटा है अग्निपथ जो केवल 15 महीने का है। प्रदीप की पत्नी अंजलि गांव मोखरा में ही रहती है। परिवार का मुख्य काम खेतीबाड़ी है। प्रदीप मलिक गजब के पहलवान थे। वह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के चैंपियन रहे थे। 77 किलोग्राम भार वर्ग में प्रदीप ने ऑल इंडिया रेलवे चैंपियनशिप भी जीती थी। प्रदीप ने जाट कॉलेज रोहतक से BA पास किया था। उन्हें जालंधर में प्रस्तावित राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेना था। इसी चैंपियनशिप के लिए वह दिल्ली में ट्रेनिंग कैंप में आए हुए थे। वहीं से छुट्टी लेकर रोहतक आए थे ताकि यहां कुश्ती के दावपेंच और अधिक गहरे से सीख सकें। प्रदीप का सुखविंदर के साथ कोई सीधा झगड़ा नहीं था, बस अखाड़े में उसकी हरकतों को लेकर एक बार अखाड़े में जाकर उसे समझाया था तथा 2-4 बार व्हाट्सएप पर बात हुई थी और उन्होंने सुखविंदर को अपना व्यवहार ठीक करने की सलाह दी थी। इसी से सुखविंदर प्रदीप से भी रंजिश रखने लगा था। सामूहिक हत्याकांड में मारी गई प्रतिभाशाली युवा महिला पहलवान पूजा तोमर 17 यूपी चैंपियन रह चुकी थी। पूजा का परिवार मूल रूप से मथुरा के गांव सिहोरा का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वे मथुरा के लक्ष्मी नगर में रहते हैं। पूजा के पिता राम गोपाल और भाई विष्णु कपड़े की दुकान चलाते हैं। पूजा दमदार खिलाड़ी थी और परिवार वालों ने उन्हें करीब 1.5 साल पहले रोहतक में जाट कॉलेज के पीछे बने अखाड़े में कोचिंग लेने के लिए भेजा था। पूजा 2014 से 2020 तक 57 किलो भार वर्ग की प्रतियोगिताओं में यूपी चैंपियन रह चुकी थीं। 2019 और 2020 में पूजा नेशनल चैंपियन भी रहीं। दरअसल इस हादसे की असल वजह थी सुखविंदर का महिला पहलवानों से अश्लील व्यवहार तथा उनसे संबंध बनाने का दबाव। मेहर सिंह अखाड़े में कुश्ती सीखने वाली पूजा तोमर ने कुछ दिन पहले अपने परिवार व अखाड़े के मुख्य कोच मनोज मलिक से सुखविंदर की शिकायत की थी। पूजा ने अखाड़े के कोच व अपने परिवार से सुखविंदर की जो शिकायत की थी उसमें बताया था कि सुखविंदर उसे परेशान कर रहा है और उस पर शादी का दबाव बना रहा है। दरअसल अपनी पत्नी से दूर होकर तन्हा जीवन जी रहे सुखविंदर में अपोजिट सेक्स के प्रति एक कुंठा भर गई थी। वह किसी भी तरह अखाड़े पर अपने आधिपत्य के साथ किसी महिला से संबंध बनाना चाहता था। अखाड़े की महिला पहलवान से संबंध बनाने या शादी करने के उसे 2 फायदे नजर आ रहे थे। एक तो अखाड़े की पहलवान कुश्ती से नाम और पैसा कमाकर कमाई में उसका हाथ बंटाती, दूसरे उसकी जिस्मानी जरूरत पूरी करने के लिए एक हृष्टपुष्ट औरत मिल जाती। पूजा चूंकि कम उम्र की आकर्षक युवती थी इसलिए सुखविंदर को उस पर डोरे डालना आसान लगा। इसके लिए वह काफी दिनों से पूजा पर दबाव बना रहा था। जब पानी सिर से ऊपर पहुंच गया तो पूजा ने अपने परिवार से इस बात की शिकायत कर दी। परिवार वालों ने अखाड़े के मुख्य कोच मनोज मलिक को इसकी सूचना देकर अपनी बेटी को अखाड़े से हटाने की बात कही तो मनोज मलिक को लगा कि ऐसा हुआ तो अखाड़े की शान और उनके नाम को बड़ा नुकसान और बदनामी होगी। मनोज ने यह बात साथी कोचों से बताई
तो सब ने एक राय से सुखविंदर को अखाड़े से हटाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उन सभी ने सुखविंदर को बुलाकर पहले सामूहिक रूप से जमकर खरी खोटी सुनाई और फिर उससे साफ कह दिया कि वह 14 फरवरी तक अखाड़ा छोड़ दे। साथ ही उसी दिन से सुखविंदर को अखाड़े में आने से मना कर दिया। अपने हाथ से लड़की और अखाड़े की नौकरी निकलती देख सुखविंदर अपमान की आग में जलने लगा और तभी उसने फैसला कर लिया कि जो लोग उसकी बर्बादी का कारण बने हैं उन सब की जिंदगी छीन लेगा। वारदात को अंजाम देने के लिए 4 दिन पहले ही उसने साजिश रच ली थी। उसने सोचा कि उसका खुद का घर तो उजड़ चुका है, अब वह उनका भी घर उजाड़ देगा जिनके प्रति उसके मन में रंजिश थी। सुखविंदर से पूछताछ में खुलासा हुआ कि पूजा ही नहीं, उसने एक अन्य महिला पहलवान से भी ऐसी ही हरकत की थी। इन्हीं कारणों से मुख्य कोच मनोज मलिक, सतीश दलाल, प्रदीप मलिक ने सुखविंदर पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बात को लेकर सुखविंदर की अमरजीत से भी कहा सुनी हुई थी। उसे बता दिया गया था कि अब अखाड़े से उसका कोई मतलब नहीं है और न ही उसे यहां से कोई पैसा मिलेगा। बस यही बात सुखविंदर को नागवार गुजरी। उसका मानना था कि उसने अखाड़े के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन अब उसे ही बाहर निकाला जा रहा है। इसी वजह से उसने करीब 4 दिन पहले हत्याकांड की साजिश रच ली थी। हत्याकांड से साफ था कि आरोपित किसी भी सूरत में मनोज के परिवार को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। पहले से रची गई उसकी साजिश का पता इस बात से भी चलता है कि सुखविंदर पिछले कई दिनों से प्रैक्टिस के दौरान बार बार कहता था कि कुछ बड़ा करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि सब मुझे याद करेंगे। PGIMS पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के बाद आरोपी सुखविंदर को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन एक मामूली सी बात पर 6 लोगों की जिंदगी छीन लेने वाले सुखविंदर के कारण उस अखाड़े के दामन पर लगे खून के छींटों को शायद ही मिटाया जा सके जहां से देश को नामचीन पहलवान मिले थे। कथा पुलिस की जांच, पीड़ितों के बयान व अभियुक्त के बयान पर आधारित। तो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही क्राइम से संबंधित किस्से जानने को मिलेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट करें, और आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी बात कह सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए अपराध के किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।